मित्रों, आपको जानकर दुख होगा कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो में आज उड़ीसा महिलाओं के क्राइम में दुगना हो गया है, महिला उत्पीड़न दुगनी हो गई है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के तहत मनुष्य का, महिलाओं का ट्रैफिकिंग, उड़ीसा सबसे बड़ा प्रदेश बन गया है। यह हम सबके लिए बहुत ही शर्म की बात है, बहुत ही दुख की बात है। महान उड़िया, महान उड़ीसा प्रदेश, और वहां ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा। सरकार नाम की कोई चीज नहीं, महिलाओं को सुरक्षा नहीं, आज महिला उत्पीड़न दुगनी हो गई है। आज महिलाओं का स्मगलिंग सबसे ज्यादा हो गया है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग सबसे ज्यादा हो गई है, और हमारे आदिवासी भाई और दलित भाई पर सबसे ज्यादा कम्युनिटी में उत्पीड़न हो रहा है, तो वो उड़ीसा में हो रहा है। और सबसे बड़ी बात ये है, जो बड़ी दुख की बात है, कि सबसे ज्यादा क्रिमिनल्स का अटैक भी उड़ीसा की पुलिस पर हो रहा है। यानी रक्षक अब अपने आप को भी बचाने में अक्षम है, रक्षा करने वाला अपने आप को भी बचाने में अक्षम है। एक तो रक्षक भक्षक तो हो ही गया, लेकिन भक्षक रक्षक के ऊपर हो गया, यह बात हमको समझनी चाहिए। ऐसी सरकारों को रहने देना है क्या? ऐसी सरकारों को रहने देना है क्या? इनकी छुट्टी करनी है कि नहीं करनी है? ऐसा कौन सा प्रदेश हो गया जिसमें पता ही नहीं चलता कि सरकार चलाता कौन है? ऐसी सरकार को रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? रहने देना है क्या? अगली बार आऊंगा तो लोकसभा से लेकर विधानसभा तक कमल ही कमल खिलना चाहिए। खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा कि नहीं खिलेगा? खिलेगा? मैं पीछे से सुनना चाहता हूं नौजवानों से, खिलेगा? आपने मेरी बात सुनी, आप सब लोगों ने सारी बातों को समझा है, हमारे संदेश को आप हमारी बात को आप गांव गांव पहुंचाइए, बस्ती बस्ती पहुंचाइए, सब जगह पहुंचाइए। आपने मेरी बात सुनी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उड़ीसा। उड़ीसा साहित्यर माटी, ओडियांक रक्तरे साहित्य, साहित्य ही समाजर प्रतिबिंब। गल्प, कविता, प्रबंध, रम्य रचना और अनुवाद साहित्यर एमिति अनेक कृति को नहीं आमर ए विशेष कार्यक्रम कथा साहित्यर।